आना में पुलिस और आबकारी की संयुक्त कार्यवाही में एक गांव में लाखों कीमत की अवैध शराब बरामद की गई। बरामद शराब हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश की बनी हुई पाई गई। मामला बबेरू कोतवाली के कोर्रम गांव का है, जहां पर भूरा पटेल पुत्र रामकिशोर पटेल के ट्यूबवेल पर बने कमरे से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कोर्रम में भारी मात्रा में दूसरे प्रदेश की शराब बिक्री के लिए मंगा कर रखी गई है, जिसके बाद पुलिस और आबकारी की टीम ने छापेमारी के दौरान भूरा पटेल पुत्र रामकिशोर पटेल के ट्यूबवेल से 1200 पेटी हरियाणा व अरुणाचल प्रदेश की बनी हुई शराब बरामद कर ली। शराब की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपये से भी अधिक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले शराब माफिया मौके से फरार हो गए। कार्यवाही के दौरान अपर SP LBK पॉल, आबकारी आयुक्त भुवाल सिंह, जिला आबकारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार, बबेरू पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह, SI लाखन सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र सैलन सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। है बबेरू थाने के अंतर्गत। इसमें सूचना मिली थी कि हरियाणा से आई हुई शराब यहाँ पे रखी जा रही है। ये भूरा पटेल सनफ रामकिशोर पटेल का बोरिंग पे बना हुआ कमरा है, यहाँ पर रखे जाने की सूचना मिली थी। इस पर हमारे आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इस पर छापा मारा गया और इसकी कीमत लगभग थोक में 35 लाख होती है लगभग, और जब ये फुटकर में बिकती है तो लगभग 50 से ऊपर ही बिकती है, 50 लाख से ऊपर। अभी क्या किसी गिरफ्तारी भी हुई इस मामले में? अभी देखिए इसमें बाकी, अभी तो इसमें बरामद भी हुई है और शेष कार्रवाई चल रही है। पेटियां हैं क्रेजी रोमियो हैं, इसमें दारू का ब्रांड का नाम है, ये हरियाणा से आई हुई है जी। सर लगभग कितने की मात्रा की? ये करीब 35 लाख के आसपास की है, और ये जहाँ पकड़ी गई है ये कोर्रम और साथी के मध्य में, ये रामकिशोर पटेल का ये ट्यूबवेल है उसी के यहाँ ये रखी हुई है। क्या कोई पकड़ा भी गया साथ? हाँ वो है, लगे हैं हम लोग। क्या किसी गिरफ्तारी हुई है? हाँ गिरफ्तार अभी है, अभी चल रही है और अभी हम बाद में बताएंगे क्या है। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।